बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं फालूदा बना रही हूँ। उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा येलो कलर है और एक कप अरारोट पाउडर है। इसमें मैंने यही 2.5 कप पानी डाला है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी इसमें मैंने कलर डाल दिया है। आप अपनी मर्जी से कलर कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप 2-3 कलर्स की भी बना सकते हैं इस तरह से। अब इसको मैं मैंने आग पे चढ़ा दिया है। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। अब देखें, अब इसको बिल्कुल मुसलसल चलाते जाना है जब तक ये साइड ना पकड़ ले और इसके दो सी ना बन जाए, जब तक आपने इसको पकाना है। ठीक है, ये फालूदा बनाने की मशीन है, कई किस्म की आती है, मेरे पास यही है। इसको मैंने ये भी ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर मैं डालूंगी तो वो भी मैंने ग्रीस कर लिया है। फालूदा मशीन है ये इसकी कई डिजाइन की आती है, मेरे पास यही डिजाइन है। ये मैंने ये हिस्सा भी ग्रीस कर लिया और इसके अंदर जो मैं डालूंगी फालूदे का बैटर, वो भी मैंने ग्रीस कर लिया है। जब ये पतीली से साइड छोड़ने लगे तो समझे ये तैयार है। अब इसको मैं गरम गरम इसमें डाल के ऊपर से इससे दबा दूंगी। ये ठंडा पानी मैंने रखा हुआ है, इसको पकड़ो, इसको इसमें मैं इसको डाल के और मैं इसको दबाऊंगी। अब वो गरम गरम मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं दबा रही हूं। आप इसको बार बार दबाएं और थोड़ा सा ऐसा, मैंने तो वो दूसरा बर्तन लिया है, थोड़ा सा ऐसा बर्तन लें जिसमें ये, अगर आपके पास यही मशीन है तो इसमें थोड़ा सा फिट आ सके। अब इसके नीचे मैंने ठंडा पानी रखा था, देखें बिल्कुल परफेक्ट फालूदा सेवियाँ बन गई हैं। इसी तरह से सारी सेवियाँ आप बना लें। आप कलरफुल भी बना सकते हैं और अगर आपके पास ये मशीन है तो इसके साइज की नीचे का जो बाउल है उसी साइज का लें। ये बार बार मुझसे गिर रहा है। ठीक है जी, अब इसके साथ अपने मनपसंद आइसक्रीम, जो भी आप फालूदा बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी, आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल जायका के कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और इसके नीचे बहुत ठंडा यख पानी होना चाहिए, बिल्कुल गर्म पानी बिल्कुल ना हो। मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये देखें बिल्कुल अलग अलग सेवियाँ बनी हुई हैं। ठीक है जी, आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल जायका के कुकिंग एंड व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।